60 हिजरी आया वो लौंडों की हुकूमत क्या आई, वो यजीद आ गया। जब यजीद आया तो इस बदबख्त की हुकूमत कितने साल रही, 61, 62, 63 मजीद 5-6 महीने, 3.5 साल ये हाकिम रहा। और इसने 3 कारनामे 3.5 साल यजीद हाकिम रहा, कितने 3.5 साल, 3.5 साल में 3 सियाह कारनामे याद रखो, जेन में रखो, ताकि कोई डाकू कोई लुटेरा इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल से निकाल न ले, यजीद की मोहब्बत न सीने में डाल दे, कहीं बर्बाद न कर दे। 3 सियाह कारनामे यजीद के, पहला सियाहकारनामा रसूलुल्लाह की औलाद के चमन को ताराज करवा डाला, रसूलुल्लाह की आल को कत्ल करवाया। इतना बड़ा जुर्म है कि काबा ढाने से भी बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह के नवासे, रसूलुल्लाह की बच्चियां, रसूलुल्लाह के बच्चे, रसूलुल्लाह का पूरा खानदान इस यजीद बद किरदार ने कत्ल करवाया, शहीद करवाया। इसका दूसरा सियाह कारनामा मदीना पाक को 12,000 का लश्कर भेजकर, कितना 12,000 का लश्कर, ये वाकया 27 ज़िलहज 63 हिजरी अपनी हुकूमत के 3रे साल यजीद बदबख्त ने 12,000 का लश्कर जितने जनूनी जितने हरामी जितने कमीने इकट्ठे करके इसने नबी के शहर के ऊपर अटैक और हमला करवाया। और 3 दिन तक इसने खुद लफ्जों में कहा कि जब मदीने पे कब्जा कर लो 3 दिन तक तुम्हारे लिए मदीना हलाल है, यानी मदीने की औरतें मदीने की बच्चियां मदीने वालों के घरों को लूटना अहले मदीना को बर्बाद करना, यजीद के आर्डर से यजीद के हुक्म से मदीनतुर रसूल को लूटा गया, 10,000 अहले मदीना को कत्ल किया गया, 1700 सहाबी और ताबेईन को कत्ल किया गया, और उसमें 700 कुरान के कारी थे मदीने वाले जिनको यजीद ने कत्ल करवाया, 1,000 दोशीजाएं ख्वातीन कुआरी बच्चियों की इज्जत लूट ली गई, यजीद की फौज ने लूटी। और आर्डर इसने किया था तुम्हारे लिए 3 दिन तक मदीना हलाल है, मुझे अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें कसम है मदीने की मिट्टी की जो मदीनतुर रसूल को बर्बाद करवाए लुटवाए। सिर्फ यही नहीं, मस्जिद नबवी में घोड़े पिशाब करते रहे, घोड़े लीद करते रहे। 3 मिश्कात शरीफ की हदीस है, 3 दिन तक लम यो कम वलम यो अज़न सलासन, 3 दिन तक मस्जिद नबवी अजान से इकामत से जमात से महरूम रही। ये यजीद का सियाह कारनामा, उसके घोड़े रियाजुल जन्ना में पिशाब करते रहे और नाचते रहे वहां, यहां तक के रसूलुल्लाह के मिंबर पे लीद करते रहे। उठाओ उम्दतुल कारी शरा बुखारी जज्बुल कुलूब शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और तारीखे मदीना की जो किताब इमाम समहूदी से लेकर हर किताब चीखती है रोती है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सीने में दम नहीं है कि बता सके कि मदीना नबी का किस तरह बर्बाद करवाया यजीद ने। ये दूसरा सियाहकारनामा उस पलीद का, आप लोग समझते हैं शायद ये यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले ये भी उसी तरह के पलीद हैं। आपके घर में जो चोरी कर जाए वो उसके लिए तो प्यार पैदा, लेकिन जो नबी के शहर को बर्बाद करवाए लूटे, कितने आदमी मैं कह रहा हूं, 1700 वो थे जिनमें सहाबा थे, हजरत अब्दुल्ला बिन जायद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला, हजरत अब्दुल्ला बिन बड़े बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबा, और हजरत अबू सईद खुदरी जैसे सहाबा की दाड़ियां नोची गईं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रूपोश हुए। अल्लाह अकबर,
मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन तक अजान नमाज इकामत से महरूम, हजरत सईद इब्न अल मुसैयब जो हजरत उवैसे करनी के दर्जे के आदमी थे, किस दर्जे के, सैयद ताबईन, हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह अन्हो, आप फरमाते हैं मुझे पकड़ के ले गए यजीदी, मुझे पकड़ के ले गए, मुझे कहने लगे यजीद की बयत कर। मैंने कहा मैं सुन्नते रसूल पे बयत करूंगा। उन्होंने कहा इसकी गर्दन उतार दो। किसी ने कहा ये तो पागल है दीवाना है। कहा मुझे पागल समझ के छोड़ दिया, मैं फिर मस्जिद नबवी में आ गया। फरमाते मेरे बगैर कोई भी आदमी मस्जिद नबवी में नहीं था, अजान नमाज कुछ भी नहीं। तो किसी ने पूछा सईद फिर तूने नमाज कैसे पढ़ी, तू जो रहा अकेला तूने नमाज कैसे पढ़ी, अजान तो हुई नहीं, इकामत तो हुई नहीं, जमात तो हुई नहीं। फरमाते अस्माउल अजाना वल इकामता मिन कब्रिन नबी, फरमाया मैं हजूर के रोजे के साथ बैठा रहता था, अजान की आवाज भी अंदर से आती रही, तकबीर की आवाज भी अंदर से आती रही, वो पढ़ाते रहे हम पढ़ते रहे। तीसरा सियाह कारनामा यजीद का मक्कतुल मुकर्रमा पे हमला। और जानते हो ये महीना कौन सा था, रबीउल अव्वल शरीफ का था, सफर बीच में आ चुका था। 2 महीने तक यजीद की पलीद फौज ने मक्कतुल मुकर्रमा हरम काबा का घिराव रखा। 2 महीने के बाद एन 3 रबीउल अव्वल थी कि काबे के ऊपर संगबारी शुरू हुई, काबे को उन्होंने आग के गोले मारे, काबे की छत गिरी, काबे का गिलाफ जला, और वो सींग जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुम्बा जिबे किया था, जो जन्नत से आया था हजरत इस्माइल के बदले में फिदिया बना था, वो सींग निशानी के तौर पर काबे की छत में रख दिए गए थे, वो भी उसी दिन जले, यजीद की फौज ने वो भी जला डाले। मैं पूछता हूं मक्का लूटा यजीद ने, काबे को आग लगवाई यजीद ने, काबे की छत गिरी उस कमीने के हाथों, मदीना मक्का नबी की आल, 3 ऐसे सियाह कारनामे हैं उस पलीद के तारीख सारी गलतियां भूल जाएगी, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकेगी कि उसे